हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है रंगोली रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन नाश्ता, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गैस को हम ऑन करेंगे। एक पैन लेंगे और 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये देखिए, मैंने 1 कटोरी चना लिया हुआ है, इसको मैंने फूलने के लिए डाल दिया था। ये अंकुरित चना है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1/2 चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये चना बिल्कुल पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चना को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसमें ये सब सामग्री ऐड करेंगे। ये मैंने 1 प्याज लिया हुआ है, इसको मैंने बारीक काटा है छोटे टुकड़े में। 1 मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक काटा हुआ है छोटे टुकड़े में। और कटी हुई धनिया पत्ता लिया है मैंने। और 2 हरी मिर्च मैंने काटा है बारीक। तो चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैंने फिर से नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ले लेंगे, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने सर्व कर लिया है। अगर ये चना की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बगल में बेल आइकन की घंटी, उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।